Good morning to all. How are you all? I hope you all are fine. Today, आज हम निबंध करने जा रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर. श्री गुरु गोविंद सहाय जी, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था. इनके बचपन का नाम गोविंद राय था. इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो 9वें गुरु थे. इनकी माता का नाम माता गुजरी था. इनका जन्म स्थान तख्त श्री पटना हरमंदिर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है. वर्ष 1676 में मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी का को सिख धर्म का 10वां गुरु बनाया गया. गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चक्का नानकी से पूरी की थी. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के साथ साथ एक महान योद्धा बनने के लिए शस्त्र चलाने की विद्या, लड़ने की कला और तीरंदाजी करनी सीखा था. इनके अलावा उनके पंजाबी, मुगल, फारसी, संस्कृत, ब्रिज इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था. गुरु गोविंद सिंह जी एक महान शूरवीर और तेजस्वी नेता थे. उन्होंने मुगलों के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी और सत श्री अकाल का नारा दिया था. उन्होंने कायरों को वीर और वीरों को सिंह बना दिया था. उन्होंने शस्त्रों के सक्के उन्होंने सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बट कोई बात नहीं. हम दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. चलिए करते हैं स्टार्ट. उन्होंने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे. इस तरह उन्होंने धर्म, जाति और कायर को नया जीवन दिया था. सन 1699 में आनंदपुर साहिब में वेट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स. आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया. भरी सभा में उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिखों की सांग की गुरु की यह मांग सुनकर सारी सभा में हाहाकार मच गया था. फिर एक एक करके 5 वीर अपना बलिदान देने के लिए आगे
आए। इस प्रकार उन्होंने पांच प्यारों का चुनाव किया। उन्होंने अपना नाम गोविंद राय से गोविंद सिंह रख लिया। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी। यह ही उनके जीवन को भविष्य में जानकारी जीवन के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।